हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मेकिंग राखी सिखाएंगे। देखिए राखी किस तरह से बनाते हैं घर पर ही कम समय में, तो आज हम राखी बनाएंगे और चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ सामान है और देखिए क्या क्या सामान है हमारे पास में। देखिए इसके लिए हम ये मोती हैं, ये कुछ मोती हैं और ये देखिए ये कुछ मोती हैं। और ये हमारे पास में ये कुछ ब्लैक कलर के मोती हैं और इसके लिए हमारे पास में एक कलाबा है। देखिए ये कलाबा है। वो कुछ हमारे पास में स्टोन है जो हमें इसमें लगाने हैं। ये इसमें पड़ पा रहे हैं, ये स्टोन है, ये कुछ स्टोन है। ये थोड़ा सा बुकरम लिया है हमने, ये देखिए थोड़ा सा बुकरम लिया है और इसको हमने कट करके ये गोल शेप में इसको कट कर लिया है। तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम इसमें ग्लो लगा लेंगे। ये देखिए ये ग्लो ये हम लगा लेंगे बीच में इसके। ये देखिए ये हम बीच में इसके ग्लो लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसमें ये बीच में ग्लो लगा लिया है। ये इस तरह से ग्लो लगा लिया है और हमारे पास में ये जो छोटे छोटे स्टोन हैं, ये जो स्टोन है देखिए इसको हम इसमें चिपकाएंगे बीच में रख के। देखिए इसको हम बीच में रख के चिपकाएंगे ये इस तरह से। इस तरह से ये जो बुकरम का टुकड़ा है हमारे पास में, इसी में हम बीच में रख के ये ग्लो से चिपका देंगे स्टोन को। ये हमारे ये चिपक चुके हैं। ये देखिए हमारे ये, और इसको हम थोड़ा और पास पास कर लेते हैं। इसमें एक स्टोन और लगा देते हैं और ये हमारे हो गए देखिए 7 स्टोन। ये देखिए 7 स्टोन हो गए हैं, ये इस तरह से चिपक चुके हैं इसमें। अब हम इसमें साइडों में फिर से ग्लो लगाएंगे गोल गोल राउंड शेप लेते हुए, फिर से हम इसमें ग्लो लगा देंगे। और अब हम इसमें ने 7 स्टोन चिपका लिए हैं और इसके साइडों में ग्लो लगा के हम इसमें मोती चिपकाएंगे। देखिए देखिए अब हम इसमें मोती चिपका रहे हैं। ये वाला मोती हम इसमें चिपका देंगे। और ये थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये कट कर लिया है और ये हमने इसमें मोती साइडों वाला चिपका दिया है। ये देखिए हमारे इस तरह से ये मोती चिपक चुके हैं। ये देखिए अब ये हमारा मोती इस तरह से ये चिपक चुके हैं। अब हम इसमें साइडों में फिर से ग्लो लगाएंगे और ये वाले मोती लगा देंगे। फिर से ग्लो लगाएंगे और ये वाले मोती लगा देंगे। देखिए हम फिर से ग्लो लगा रहे हैं इसमें। फिर से ये साइडों में ग्लो लगाया और इसको
माला को हमने ये जो है इस तरह से इस मोती की माला को हमने कट कर दिया। और देखिए इस तरह से राउंड शेप लेते हुए हमने इसको ये फिर से हमने इसको इसके अस्तक ले आएंगे जहाँ तक ये है, हम कट कर देंगे जो हमारे पास में मोती की माला है। देखिए ये हमने इसे फेबी ग्लो की सहायता से ये हमने गोल गोल राउंड ये वाले मोती लगा लिए हैं। अब हमें जो कलाबे का धागा है ये हम इसके बीच में लगाएंगे और ये जो दूसरा इसका दो टुकड़े किए थे हमने, जो दूसरा टुकड़ा है वो भी हम इसके नीचे से चिपका देंगे। तो देखिए अब हमें इसको चिपकाना है और अब इसमें हम सारे में ग्लो लगा देंगे और इस धागे को भी इसमें चिपका लेते हैं कलाबे के। देखिए इस कलाबे के धागे को हम बीच में से रखते हैं ये दोनों तरफ की, ये धागा बराबर रहे। ये देखिए दोनों तरफ का धागा बराबर रहे, हमने ये बीच में लगा लिया है। ये देखिए बीच में लगा लिया है, इसको चिपका लिया है और साइडों में हल्का सा ग्लू और कर देते हैं इससे ये चिपका रहे, छूटे नहीं। और ये एक बार चिपकने के बाद में छूटता नहीं है। अब हमने ये जो है जो ये राखी बनाई है इसके ऊपर से लगा देंगे और इस पर भी हल्का सा ग्लो लगा लेते हैं इससे अच्छे से। ये हमने इसमें अच्छे से ये राखी चिपका ली है। देखिए ये हमारी राखी इस तरह से बीच में बन गई है और इसका धागा भी हमारा बीच में आ गया है। देखिए और अब हम इसमें ये देखिए ये वाली लटकन, ये जो माला सी है वाइट कलर की, अब हम ये इसमें लगाएंगे। और पहले हम इसमें थोड़ा सा हैवी ग्लू लगा लेंगे। देखिए ये हम साइड से यहाँ पे किनारे से हैवी ग्लू लगा लेंगे। देखिए ये हमने ग्लू लगा लिया है और अब हम इसको जो ये वाइट कलर की माला सी है ये वाली मोती की माला, इसको हम लगा लेंगे। देखिए इसको पकड़कर आराम से लगा लेते हैं और जो मोती इसके बसते हैं वो हम निकाल देंगे। और ये आराम से लगा लेते हैं इसकी माला, इसमें हमारा एक ही मोती निकल रहा है जिसे हम निकाल देंगे। और देखिए ये हमारी राखी इस तरह से, और ये इसका जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। देखिए ये देखिए ये हमारी राखी बन गई है इस तरह से। देखिए अब हमने ये ग्लो लगा लिया है और अभी चिपका देते हैं जो बचा हुआ है, अगर तैयार हो जाती है। हल्का सा इसको सुखा लेते हैं फिर ये हमारी राखी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए ये हमारी राखी इस तरह से बन गई है। ये देखिए देखिए गाइस ये इस तरह से हमारी राखी बन गई। ये देखिए इस तरह से ये हमारी राखी बन गई है।
और काफ़ी खूबसूरत राखी बनी है। ये इस तरह से हम राखी अपनी घर पर ही बना सकते हैं थोड़े से समय में। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी डोरी निकाल दी है हमने, और ये देखिए बीच में, और ये पीछे से इस तरह से दिख रही है। देखिए पीछे से इसका ये है सेब, ये सेब है, पीछे से ये सेब आया है, और आगे से एकदम गोल ये राखी बनी है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से हमारी राखी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए मैं एक धागे वाली राखी दिखा रही हूँ, जो उसको भी आप कम समय में ही बना सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास में एक ये ऊन का गुल्ला रखा है, और इसमें से हम जो है ये थोड़ी ऊन निकालेंगे और एक हाथ के हिसाब से निकाल लेते हैं इसकी लंबाई, और उसमें हम डालेंगे मोती ऊन लेंगे। ये धागे वाली राखी बता रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से बनती है, और इसमें हम मोती लेंगे और इसको धागे को हम सुई में डाल देंगे। ये देखिए हमने ये सुई में डाल दिया है। अब इसमें हम मोती डालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे गोल्डन कलर की मोती, चार मोती डाल लिए हैं, और लास्ट में हम इसमें गांठ लगा देंगे, नहीं तो ये हमारे मोती निकल जाएंगे। ये इस तरह से हम इसमें गांठ लगा देते हैं दो तीन, जिससे ये हमारी मोती निकले नहीं। ये देखिए हमने ये चार मोती ले लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक कलर के मोती डालेंगे। देखिए ब्लैक कलर के भी हम चार ही मोती डालेंगे इसमें। ये देखिए ये हमने चार मोती गोल्डन कलर के डाले हैं, चार मोती हमने इसमें ब्लैक कलर के डाले हैं। देखिए हम इसमें एक डालते हैं थोड़ा बड़ा मोती, ये देखिए, फिर इसके बीच में हम एक गोल्डन कलर का मोती डालेंगे। हमने एक गोल्डन कलर का मोती डाल दिया है, फिर से हम इसमें एक बड़ा मोती डालेंगे। ये देखिए इसमें हम ये बड़ा मोती डाल रहे हैं, फिर से हम एक गोल्डन कलर का डालेंगे इसमें। ये हमने फिर से एक गोल्डन कलर का डाला है, ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है ये। फिर इसमें एक बड़ा मोती फिर से डालेंगे हम, देखिए इसमें हमने ये फिर से एक बड़ा मोती डाला है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, अब हम इसमें फिर से चार ब्लैक कलर के डालेंगे मोती। ये देखिए हमने ये चार ब्लैक कलर के डाल दिए हैं इसमें, और ये इस तरह से दिखने लगा है कुछ इस तरह से। देखिए ये, अब हम इसमें चार फिर से गोल्डन कलर के डाल देंगे मोती। ये देखिए हमने फिर से इसमें से चार कलर के मोती गोल्डन कलर के डाल दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसको बीच में कर लेते हैं। देखिए ये हमारा धागा जो हम बांधते हैं, धागे वाली राखी हमारी तैयार है। देखिए अब हम इसको इस बीच में कर लेते हैं, और धागे को हम कैंची से कट कर देते हैं सुई में से। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारी धागे वाली राखी कंप्लीट हो गई है। देखिए गाइस इस तरह से दिखती है। इस तरह से आप भी अपनी राखियां बना सकते हैं घर पर ही, और इससे भी अलग डिजाइन में बना सकते हैं चाहें तो।
और जो है काफी अच्छी लगती हैं जब हम इसको बनाते हैं। तो ये हमारी राखी बनकर तैयार है। और इस तरह से आप भी अपने घर पर ये राखियां बना सकते हैं, चाहे तो इससे अलग भी बना सकते हैं, इस तरह से और भी डिजाइन में बना सकते हैं। और देखिए ये हमारी राखी बनकर तैयार है। हम इसको हमने धागे को कट कर लिया है सुई में से, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है देखिए। और इस तरह से ये हमारी दो राखियां बनकर तैयार हो गई हैं। आप देखिए कम समय में कितनी खूबसूरत राखी बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और आप भी इस तरह से ये राखियां अपने घर पर ही बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय गाइस।